तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम वीवीए मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग पे डिस्कस करने जा रहे हैं और वीवीए मैक्रोज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम वर्कबुक को हैंडल करते हैं और एक प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करें, छोटा सा एक हम लाइव परफॉर्मेंस बनाएंगे। क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको कोड एक्सप्लेन किया था, हमने रन करके कुछ नहीं दिखाया था। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, या फिर बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, सब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो इसको आप एक्सेल फाइल डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहां पे एक्सेल फाइल अपडेट होती है, वो एक्सेल फाइल को डाउनलोड नहीं करते हैं लेकिन एक्सेल फाइल के अंदर में डेटा को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, टाइप कर देते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जैसे कि एमएडीएस वगैरह सॉफ्टवेयर है एयरलाइंस में। ठीक है, तो बेसिकली हर दिन मुझे एक रिपोर्ट डाउनलोड करना होता है, एक डेटा डाउनलोड करना होता है। तो डाउनलोड करने से पहले हमें क्या करना होता है, सुनिए। बेसिकली मुझे डाउनलोड करके उसको स्टोर करना होता है। मान लीजिए मुझे स्टोर करना है उसको ई ड्राइव, तो सबसे पहले मैं ई ड्राइव में फोल्डर चेक करता हूं कि इस साल 2019 चल रहा है तो क्या साल 2019 का फोल्डर है या नहीं है। है तो कोई बात ही, नहीं है तो क्रिएट करो। फिर उसके अंदर में अभी महीना चल रहा अक्टूबर में 10, यहां पे 10 का फोल्डर बनाता है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो क्रिएट करता है। फिर इसके अंदर आज डेट है 21, एक नई फोल्डर क्रिएट होगी 21, और उसके अंदर 21 नाम का फाइल क्रिएट होगा। क्योंकि सिस्टम में हम ड्राइव सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक डेटा डाल देता है, तो ये काम मुझे हर दिन करना होता है, एवरी डे। ठीक है, हेलो, प्रॉब्लम समझ में आई आपको? हाँ जी तो चलिए इसके लिए हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं। उस फाइल में है, बंद कर देता हूं। हम यहाँ पे एक मॉड्यूल्स इंसर्ट करते हैं। हम कहाँ पे गए? हम गए विजुअल बेसिक पे, यहाँ एक्सेल में डेवलपर टैब है हमारे पास, इसके अंदर विजुअल बेसिक पे गए, एक इंसर्ट किया एक नई मॉड्यूल्स को। यहाँ पे सब्जेक्ट एक मैक्रो बनाता हूँ, तो मैं FLDCR के नाम से बना दिया फोल्डर क्रिएशन। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रोग्रामिंग लिखें तो खैर तो कैप्स लेटर में लिखें या स्मॉल में लिखें। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्टिव वर्क बुक, तो अब एक कोड सही है तो ये टाइटल केस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे स्मॉल में लिखे या कैप्स में लिखे। तो अगर टाइटल किसने कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब है कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या फिर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, इसी ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे सिस्टम डेट निकालना है। तो एक्सेल में अगर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, तो एक्सेल में टुडे का फॉर्मूला हो, क्योंकि करेंट सिस्टम डेट देता है और इसमें से तीन फॉर्मूले होते हैं, ईयर जो कि ईयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मंथ जो कि मंथ को एक्सट्रैक्ट करता है, और डे जो कि डे को एक्सट्रैक्ट करता है। तीनों फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट करता है, बस टुडे नहीं करता, टुडे की जगह पे डेट होता है। तो मैंने यहां पे लिखा वाई इक्वल टू
टुडे सॉरी ईयर, ईयर और यहां पे हमने दे दिया डेट। तो डेट क्या करता है, डेट आपका करेंट सिस्टम डेट देता है, इसमें से ईयर को अलग करके वाई पे स्टोर करेगा। अब वाई क्या है, टेम्पररी सेविंग लोकेशन है। जैसे मैथमेटिक्स में हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी ले लेते हैं, तो सेम चीज हम यहां भी करेंगे। ठीक है सर, हेलो। उसी तरह से यहां पे हम एम मंथ एम इक्वल टू, मैं यहां पे मंथ दूंगा और यहां पे हम डेट और ईयर दूंगा, यहां पे डी दूंगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें फोल्डर क्रिएट करना है तो सिस्टम डेट पता कैसे चलेगा। तो सिस्टम डेट डेट तो सिर्फ सिस्टम डेट आता है, लेकिन हमें तो मंथ अलग चाहिए, ईयर अलग चाहिए, डे अलग चाहिए, ताकि हम फोल्डर क्रिएट कर सके ना, एक के अंदर एक के अंदर एक। राइट सर, अब यहां पे हमारे पास एक फोल्डर होता है, एक फॉर्मूला होता है एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी में मैंने बोला कि ई ड्राइव में जाइए और 2019 का फोल्डर बना, तो जो पाथ दीजिएगा उस पाथ का जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा वो क्रिएट कर। हमारे 2019 के अंदर मान लीजिए मुझे ए चाहिए, 10 चाहिए, तो 2019 के अंदर 10 को क्रिएट कर देगा। उसके अंदर मान लीजिए मुझे आज 21 है, तो 21 नाम का फोल्डर क्रिएट, जो लास्ट में होगा उसी करेगा। तो वन बाई वन हमें लिखना होगा, क्योंकि एक फोल्डर क्रिएट होगा तभी। लेकिन मैं 2019 मैनुअल नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ ईयर के साथ ए ले, तो मैं इसके कॉनकटा नेट करके वाई कर दिया। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मैं यहाँ पे है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ई ड्राइव लिया, इसके साथ मैं कॉनकटा नेट करके 2019 ले लूंगा, तभी तो बने गए 2019। तो सेम चीज हमने यहां पे किया और इसी को हम रिपीट कर देते हैं फोल्डर के लिए। पेस्ट और एम परसेंट मैं कर देता हूं एम महीना के लिए। स्लैश स्लैश इतना जरूरी है ना, डी। क्लियर है सर, अमित जी बिक्की जी, कोई डाउट इसमें? नहीं। अब यहां भी प्रॉब्लम है कि अगर एक फोल्डर पहले से बना हुआ है, 2019 का फोल्डर पहले से बना हुआ है, तो जो फोल्डर पहले से बना हुआ है उस नाम के दूसरा फोल्डर तो क्रिएट नहीं करेगा ये, क्योंकि आपकी सिस्टम करती है कि किसी भी ड्राइव में एक नाम की एक ही फाइल फोल्डर हो सकते, तो नहीं हो सकता। सो यहां पर एरर आएगा, तो मुझे अगर एरर आता है तो मुझे फोल्डर क्रिएट नहीं करना, क्योंकि अगर फोल्डर है तो क्रिएट करना, नहीं है उसी को यूज करना। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि मैं यहां पे लिखूंगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। एक कोड याद रखिएगा, एक कोड ऑन एरर रिज्यूम स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? एरर की स्पेलिंग क्या? एरर की स्पेलिंग E-R-O-R-A है ना स्पेलिंग? यस सर।
वीर होंगे ना। हाँ तो याद रखिएगा एक कोड का काम क्या है, सॉरी सर, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट हम यहां कर दिए। तो यहां पे क्या होगा कि अगर इस लाइन में कोड हुआ तो इसको स्किप करके इसको रन करेगा, अगर इसमें एरर हुआ तो इसको स्किप करके इसको रन करेगा। तो ये कोड हमें पता है कि एरर है और मुझे एरर को स्किप करना है क्योंकि एरर जेन्युइन है, तो हम इस केस में लगाते हैं। अब हम यहां पे फाइल क्रिएट करेंगे, यहां लिखेंगे कि एक्टिव, यहां पर वर्क देना होगा, वर्क बुक्स डॉट बुक्स डॉट एड और उसी को सेव कर देना है, सेव एज। और कहां सेव करना है तो हमें इस लोकेशन में सेव करनी है। और फाइल का नेम भी तो देना होगा, फाइल का नेम जो इसका नेम है डे है वही होना चाहिए डी, और एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस एक्स कर दिया तो फाइल को क्रिएट करके सेव कर देगा। और सेव करने के बाद फाइल को क्लोज भी करना है, जो फाइल ऐड हुई है वही हमारी ओपन होगी। तो यहां पे हम लिखेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज और यहां पे देंगे ट्रू। अमित जी कोई डाउट इसमें? हेलो, मैं ई ड्राइव से 2019 का फुल हटा देता हूं फिलहाल, और चलिए इस माइक्रो को हम परफॉर्म करते हैं। माइक्रो लिस्ट में गए और यहां पे रन, अब देखिए यहाँ पे फोल्डर फाइल खुला हुआ नहीं है। अब हम फोल्डर में चलते हैं 2019-10-21, इसमें फाइल नहीं है। फाइल ना आने का रीजन ये हुआ कि हम जो स्लैश दिए है ना, ये फोल्डर का स्लैश है, यहाँ पे उल्टा पड़ेगा, इस तरह से पड़ेगा, इसलिए ऐसा दिक्कत हुआ है, फाइल क्रिएट नहीं हुई है, ये हमेशा मैं भूल जाता हूँ। और फिर मैं एक बार फोल्डर और डिलीट करता हूं ताकि फोल्डर क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अरे फोल्डर डिलीट करना जरूरी नहीं है क्योंकि फोल्डर होगा तो क्रिएट करेगा बनाएगा, लेकिन फिर भी मैं डिलीट करता हूं ताकि एक बार बने। अब मैं यहीं से माइक्रो को रन करके टेस्ट कर सकता हूं। ओके, इस बार फोल्डर बन गया, 10 भी है 21 भी है, फिर भी नहीं बना, फाइल नहीं आया, कोई दिक्कत है सर एक मिनट जाइए, मैं इसको डेट कर देता हूं ताकि मुझे एरर पता चलेगा कि किस लाइन में एरर है। सर ऊपर के स्लैश पे चेंज है क्या? स्लैश ऊपर वाले नहीं, इससे प्रॉब्लम नहीं है, ये तो यहाँ तक फोल्डर बना रहा है ना, ये तो चल रहा है, प्रॉब्लम इसी में लग रहा है। ऊपर वाले में जो बैक स्लैश भी नहीं है, यहीं पे कहीं भी कुछ छोड़ रहा है, एक बार रन कर रहा हूँ। देख एक्सप्रेशन हैज बीन थ्रोन बाय द टारगेट इम्बोलेशन वर्कबुक डॉट एड डॉट सेव, इसने फाइल ऐड कर लिया है, बस सेव फील्ड आ रहा है, सेव नहीं हुआ है। ई ड्राइव वाई एम
y तो use m d fish and again d fish x l s ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जनरली ले लेता है। सर ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश आना चाहिए सर, फॉरवर्ड स्लैश ऊपर दे ही रखा है ना वो उससे सर नीचे भी नहीं, एक मिनट दे दीजिए मैं ये भी अभी ठीक कर देता हूँ। हर वर्जन का अलग अलग होता है ना सर, दिक्कत ये भी है क्योंकि मेरे ऑफिस 365 में कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ। बैकस्पेस की तो है स्लैश कई हुई सर, अपन ने सर वो वाला स्लैश भी। अच्छा हमने दो दे दिया है क्या स्लैश, ये स्लैश है। एक एक्सेल को री ओपन कर देने के लिए
कोड सर कोड गायब हो गया, तो वैसे कोड ले लेता हूँ ना। इस फोल्डर को ठीक करता, इसमें हमने दो जो स्लैश कर दिया है ना, हमें लग रहा है यही प्रॉब्लम कर रहा है, एक से ही काम चल जाएगा। सर इसलिए एक से ही हो जाएगा, दो जो किया था इसी में दिक्कत था सर। अलग ऑपरेशन का अलग अलग होता है ना, आप देखिए परफेक्टली वर्क हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे 2019 में 10, 20 और 21 का फोल्डर बना दिया। मैं एक बार दोबारा इसको रन करके दिखाता हूँ, मैं ई ड्राइव में जाता हूँ, रन कर दिया है। यहां से रन भी कर सकते हैं, रन किया। मैं डेट को चेंज करता हूं, मैं 21 को इसकी 21 की जगह 22 कर देता हूं, यहां से चेंज नहीं कर सकते क्या? कंट्रोल पैनल ही जाना नहीं, टू टॉप विंडो 7 में हो जाता था यहाँ से। चेंज डेट एंड टाइम, और मैं इस पर मान लीजिए 22 कर दिया एंड ओके। यहाँ 22 हो गया, मैं इस अपने माइक्रो को दोबारा रन करता हूँ और एरर जो इंडेक्स मैंने हटा दिया। हाँ, अब आप देखेंगे यहाँ पे फोल्डर में हमारे कहा गया, ई ड्राइव में 2019 10, अब दूसरा फोल्डर उन्होंने 22 बना दिया और फिर 22 नाम के फाइल को सेव कर दिया। ठीक है अमित जी, समझ में आ गया आपको? हाँ जी। अगर पूरा डेट ही लिखनी हो तो लिख सकते हैं क्या? आई नो उसमें वो स्पेशल करेक्टर नहीं लेगा फोल्डर में, पर अगर डेट मंथ एंड ईयर एक ही साथ आ जाए। हाँ, स्पेशल करेक्टर में डॉट डैश ऐसे नहीं लेता है, लेकिन हाँ अंडरस्कोर ले लेता है, डैश लेता है, बैक स्लैश नहीं लेता है, ये तो ए नहीं लेता है। और याद रखिएगा जब भी हम फाइल को सेव फोल्डर क्रिएट करते समय आपको दो इस तरह का बैक स्लैश देना है, लेकिन फाइल क्रिएट करते समय सिर्फ एक देना है, दो को एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और हम इसके लिए कुछ और कर रहे थे। ठीक है, और एम की डायरेक्टरी मेक डायरेक्टरी के नाम से फंक्शन है, इसके अंदर जो भी आप डायरेक्टरी करा लेंगे वो डायरेक्टरी को क्रिएट कर देता है। तो इसी फाइल में आप कुछ और कराए सेव एज कराए, या फिर कोई पुराने फाइल को ओपन करके उसको सेव एज कराए, उसको रिनेम करवाए, या फिर उसके अंदर प्रोटेक्शन लगा, जो लास्ट क्लास में जो चीजें हमने बताई थी उस चीजों को इसमें आप यूटिलाइज कर और इसकी प्रैक्टिस करें। एक कोड हम आपको मेल कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सर इसमें वर्कबुक पे भी तो अपन सिंबल लगा सकते हैं। वर्कबुक के अंदर अपन एक बटन डाल करके भी कर सकते हैं ना इसको।
मतलब क्लिक करते से हो जाए। हाँ हाँ वो किस बताता हूँ आपको, अमित जी आपकी ईमेल आईडी यही है ना? नहीं 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 है सुखराड़ी, सुखराड़ी से है बस बस बस। और विक्की जायसवाल जी की यहाँ पर, और जैसे कि आपने बोला कि मैं इसको रन करना चाहता हूँ किसी ट्रिगर से, तो दो तरीके, अगर आप शॉर्टकट के थ्रू रन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट के थ्रू रन करना चाहते हैं तो इस पे आए और इसको ऑप्शन पे जाके शॉर्टकट अप्लाई कर दें। किसी बटन के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेवलपर में आपके होम कंट्रोल बटन है, जैसे इसको आप ड्रैग करेंगे ये आपसे असाइन माइक्रो पूछेगा, सेलेक्ट कीजिए बटन को तो हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई पिक्चर वगैरह है जैसे कि ऑनलाइन सैप्स या कोई मॉडल आप यहाँ पे रखे हैं, जैसे मान लीजिए मैं सैप्स ये बटन क्रिएट करता हूँ बच्चा, तो इसको रन करने से हो जाए तो उस पर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे राइट क्लिक और यहाँ देखिए असाइन माइक्रो दिखेगा और आप माइक्रो को असाइन करें। ओके अब इस पे रन करने से हो जाएगा और इस पे भी रन करने से होगा, इसको ट्राई कीजिए तो कल हम आपके साथ सीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है अमित जी? हाँ जी ओके बाय, गुड नाइट।